वेलकम टू माय चैनल सारिका किचन रेसिपी मैं आज बनाने जा रही हूँ आइसक्रीम इस आइसक्रीम को बनाने में हमें ज़्यादा सामान का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा बहुत कम सामान से हम ये आइसक्रीम बना लेंगे तो चलिए इस आइसक्रीम को हम बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैं ले ली हूँ दूध थोड़ा सा और उसमें तीन चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे आप इसमें अरोट भी डाल सकते हैं अगर अरोट नहीं है तो दो चम्मच आटा भी डाल सकते हैं इसमें हमें कॉर्नफ्लोर को घोल लेना है कॉर्नफ्लोर इसलिए डाले हैं क्योंकि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और मैं इसमें मलाई ले ली हूँ दो दिन का और एक लीटर दूध में मलाई ऐड कर दिए हैं और दूध को गर्म कर लेना है इसमें मैं चीनी डाल दी हूँ एक बाउल और जो कॉर्नफ्लोर का घोल रखे हैं उसे भी ऐड कर दिए अब इसे हमें चलाते हुए पकाना है गाढ़ा करना है दूध को बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि दूध पहले से उबला हुआ है इसे चलाते हुए हमें पका लेना है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके अब ये देखिए लगभग गाढ़ा हो गया है देखिए ये गाढ़ा हो गया है और इसे ठंडा होने देंगे ये ठंडा हो गया है इसमें थोड़ा सा वेनीला एसेंस ऐड कर दिए हैं अगर वेनीला एसेंस है तो डालें नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसे मिक्स कर लेना है आइसक्रीम जमाने के लिए हमें एक इस तरह का डब्बा चाहिए जिसका ढक्कन हो तो मेरे पास आइसक्रीम का डब्बा पड़ा हुआ था उसी में मैं आइसक्रीम जमा लूँगी आपके पास कुछ भी हो ऐसा हो जिसका ढक्कन हो उसमें आप आइसक्रीम को जमा सकते हैं आधा आइसक्रीम मैं वाइट रखूँगी और आधा मैं रेड कर दूँगी मैं आधे में डाल दी हूँ बीट जूस आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं मैं बीट का जूस ऐड की हूँ मैं इस डब्बे में इसे ट्रांसफ़र कर दी और इसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर देना है इसे मैं फ्रीजर में जमने के लिए डाल दूंगी फिर इसे मैं फ्रीज में जमने के लिए छोड़ दी हूँ ये अच्छी तरह से छः सात घंटा में जम गया है अब इसे हमें पीस लेना है मिक्सर ग्राइंडर में अगर पहले कलर वाला को पीसेंगे तो दोनों आइसक्रीम रेड हो जाएगा इसलिए पहले मैं वाइट वाला को पीस ली इसे अच्छे से चला दी है मिक्सी में जिससे ये स्मूथ हो जाए हमें अब रेड वाले आइसक्रीम को भी पीस लेना है इसे मैं कुछ देर मिक्सी में चला दी हूँ ये भी एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया है और इसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर देना है जिससे एक भी एयर ना जाए इसके अंदर इसे मैं प्लास्टिक से पैक कर दूँगी जिससे एक भी एयर अंदर नहीं जाएगा और इसके अंदर बर्फ़ एकदम नहीं जमेगा अगर एयर जाएगा तो बर्फ़ जम जाएगा इसमें मैं टेप लगा दूंगी, अच्छी तरह से सेलो टेप से पैक कर देना है इसको जिससे एक भी एयर ना जाए आइसक्रीम में इसी तरह से दोनों डब्बों को मैं पैक कर दूंगी देखिए दोनों डब्बे पैक हो गए हैं और मैं आइसक्रीम को फ्रिज में जमने के लिए डाल दी हूँ घंटे बाद फ्रिज से आइसक्रीम को बाहर निकाल ली हूँ और इसका प्लास्टिक निकाल ले रहे हैं ये देखिए आइसक्रीम अच्छी तरह से जम गया है पिंक वाला भी आइसक्रीम अच्छी तरह से जम गया है अब इसे हमें सर्व कर लेना है मैं आइसक्रीम बाउल ले ली हूँ और उसमें आइसक्रीम को सर्व कर ले रहे हैं देखिए कितना अच्छा आइसक्रीम जमा है एकदम मार्केट जैसा एकदम क्रीमी आप एक बार ट्राई ज़रूर करें बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बना है दोनों आइसक्रीम को मैं सर्व कर ले रही हूँ आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड में और सब्सक्राइब करना ना भूलें पूरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चॉकलेट सिरप डाल दे रही हूँ इससे आइसक्रीम और देखने में अच्छा लग रहा है और खाने में भी चॉकलेटी